खवातीन के दिलों की धड़कन फवाद खान कहते हैं, बीमारी कोई भी हो कभी उसे छुपाना नहीं चाहिए। फवाद 24 सालों से अपनी किस बीमारी से लड़ रहे हैं उन्होंने बता दिया। देखो शोहर अपनी बीवी से रोमांटिक बातें करता है, उसे चीजी लाइंस नहीं कहते, प्यार भरे जुमले कहते हैं। पाकिस्तानी शोबिज के सबसे खूबसूरत और मारूफ अदाकार फवाद खान ने किया इंकशाफ कि वो 17 साल की उम्र से ज़ियाबतीस का शिकार हैं। YouTube के एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने बचपन के दौर और अपनी बीमारी से जुड़ी हर बात का खुलकर इजहार किया। मुझे पता नहीं, कभी कभार लगता है कि जितनी भी कंफर्ट्स और लग्जरीज मेरी जिंदगी में है उसकी वजह से मैं निकम्मा हो गया। उनका ये कहना है कि वो अपने स्कूल के टाइम पर बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे और खेलों के काफी शौकीन थे, मगर ज़ियाबतीस होने के बाद इनके सारे शौक खत्म हो गए। इस बीमारी की वजह से अक्सर वो फर्श पर गिर जाते थे और सांस लेने में भी बेहद दुश्वारी महसूस करते थे। काफी छोटी उम्र से ही उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते थे। उनका मजीद कहना है कि अगर शुगर लेवल खुदा न खास्ता कम हो जाए तो अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। फवाद के लिए ये वक्त बहुत बुरा गुजरा था क्योंकि ना सिर्फ वो जिस्मानी तौर पर मुश्किलात का सामना कर रहे थे बल्कि साथ ही साथ जहनी तौर पर भी वो काफी परेशान रहते थे। एक बड़ी वजह उनके वालिद साहब थे क्योंकि वो काफी असर अंदाज हुए थे उनकी बीमारी को लेकर, जिसकी एक अहम वजह ये भी थी कि वो पहले भी एक बेटा खो चुके थे। फवाद बज़ाहिर 24 साल से इस बीमारी का मुकाबला बहुत ही हिम्मत से कर रहे हैं और वो समझते हैं कि अगर कोई बीमारी है भी तो उसको खुलकर फेस करना और बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। फवाद खान ना तो सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार बल्कि माजी में एक बैंड का हिस्सा भी रह चुके हैं गुलूकार के तौर पर। नादिया की कामयाबी के पीछे टीना का हाथ। नादिया हुसैन का हैरान कुन इंकशाफ, किसी गुलुकारा की भांजी निकली। आइए जानते हैं, नादिया हुसैन जो खवातीन के हुकूक और दीगर मसाइल पर गुफ्तगु करती हैं, इन्होंने अपने करियर के हवाले से भी बिल आखिर कुछ अहम बातें बता दी। नादिया का कहना है कि इन्हें शोबिस में मुतारिफ करवाने वाली एक शख्सियत का बड़ा हाथ है, जो है मारूफ गुलुकारा टीना सानी, जो कि इनकी खाला भी हैं। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब। वो इन्हें बचपन में अपने टीवी प्रोग्राम्स में साथ लेकर जाती थी, जिनकी वजह से इसी फील्ड में करियर बनाने में आसानी हुई। और ये भी बताया कि 20 साल की उम्र में पहली मॉडलिंग कैंपेन का हिस्सा बनी थी जिसमें उन्हें 25,000 रुपए मिले और जग के हिसाब से ये पैसे ज्यादा होते थे। वो सबकी पसंदीदा मॉडल थी और देखते ही देखते वो सुपर मॉडल भी बन गयी। बहुत ज्यादा काम के चांसेस मिले और साथ ही भारत में मॉडलिंग और फिल्म दोनों की ही ऑफर्स आईं, जो इन्होंने मसरूफियात की वजह से मना कर दी। आयशा खान की हो रही है फिर एंट्री। सोशल मीडिया पर आने वाले ड्रामे की झलक से फैंस बेचैन। मशहूर अदाकारा आयशा खान जल्द टीवी स्क्रीन पर वहाज अली के साथ नजर आएंगी। और तो और, पाकिस्तानी शायकीन दोनों अदाकारों को एक साथ देखने पर पुरजोश नजर आ रही हैं। इस
इस जोड़ी ने इंस्टाग्राम पर गुज़िश्ता माह के आगाज में अपने मतदाताओं को एक साथ काम करने से मुतालिक एक हिंट दिया था, जिसकी तफसीलात अब सामने आ ही गई है। इनका एक जज्बाती सीन सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। इस सीन में आयजा लड़ती झगड़ती हैं, जबकि वहाज उन्हें समझा बुझा कर वहाँ से ले जाते हुए नजर आते हैं। ये दिलचस्प सीन व्यूअर्स के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट का बायस बन गया है और वो इस हसीन जोड़ी को देखने के लिए सोशल मीडिया पर काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। भूजो तो जाने, ट्विन सिस्टर्स एमन और मिनाल की ट्विनिंग अपने शोहरों को दिया टफ टाइम। एमन और मिनाल ट्विन सिस्टर्स, दोनों की शक्लें हाइट में इतनी रिसेम्बलेंस के देखने वाले धोखा खा जाएं। इस हकीकत को लेकर दोनों ने किया अपने अपने शोहरों से खिलवाड़ और दोनों को डाला आजमाइश में। हुआ यूं कि अदाकार बहनों ने एक जैसे मैचिंग ड्रेसेस से ट्विनिंग करते हुए एक साथ खड़ी हैं और उनके शोहर अपनी अपनी बीवियों को पहचानने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। ये सब एक वायरल वीडियो में देखा गया। उनके शोहर इस मुख मुस्से का शिकार नजर आए कि अपनी अपनी लाइफ पार्टनर को पहचाने तो आखिर कैसे। ये वीडियो हुई सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल कि सार्फीन ने खूब देखा और महसूस हुए। इस वीडियो में मिनाल के शोहर एहसन को कहते हुए सुना जा सकता है कि दोनों में से अपनी अहलिया कौन है, पहचान नहीं पा रहे, यानी के मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। Oh my God. I can't realize which one I hate more, seriously. मुझे किससे ज्यादा नफरत है मुझे समझ नहीं आ रहा। इन पहाड़ों से दोस्ती अच्छी नहीं माहिरा। माहिरा खान पहाड़ों में निकल गईं, खतरनाक हादसे से बाल बाल बचीं। माहिरा खान के साथ आया एक हादसा पेश, मगर शुक्र उनकी जान बच गई। माहिरा खान अपने बेटे के साथ शुमाली इलाकों में सैर तफरी करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आने लगी हैं। और तो और, माहिरा खान ने सोशल मीडिया सार्फीन के लिए चंद चीजें भी पोस्ट की और साथ में कहा कि पहाड़ों से उन्हें एक अजीब उनसियत महसूस होती है। उनको लगता है जैसे कि वो इंसान बात कर रहे हैं। पहाड़ों में बहुत ही सुकून महसूस होता है उन्हें। इन खूबसूरत लम्हात के जिक्र के साथ साथ ये भी लिखा कि घोड़ सवारी के दौरान एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गई, लेकिन लोगों ने बर वक्त मदद की और जान बचा ली उनकी, जिसके लिए वो उनकी हमेशा शुक्रगुजार रहेंगी। पाकिस्तान से बेहतर मुल्क, सुनीता कहती हैं नो वे। पूरा खानदान मुल्क से बाहर, लेकिन सुनीता मार्शल सिर्फ पाकिस्तान में रहना चाहती हैं। ऐसी क्या वजह है? सुनीता मार्शल एक मशहूर अदाकारा और मॉडल भी हैं। इनका कहना है कि पूरी दुनिया में सफर कर सकती हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए पाकिस्तान से बेहतर जगह कोई नहीं है। बेशक सैर व तफरी के लिए जाना चाहिए, मगर जब बात आए रहने की तो मैं सिर्फ पाकिस्तान में रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक पाकिस्तान से बेहतरीन जगह कोई और नहीं है। सुनीता मार्शल ने सन 2000 में शोबिज में कदम रखा था और मॉडलिंग में बहुत नाम कमाया। बाद में अदाकारी में भी खूब नाम बनाया है। इनके शोहर हसन अहमद भी एक अदाकार हैं। दोनों की शादी सन 2008 में हुई थी और दोनों ही पाकिस्तान इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा हैं। जज्बात, हुसन, कशिश और सलाहियत, वो खूबियां हैं जिसने महविश हयात को
पाकिस्तान की सफाए अव्वल की एक्ट्रेसेस में शामिल करवाया है। महविश हयात पाकिस्तान की एक नामवर मॉडल, सिंगर और एक्ट्रेस हैं। महविश हयात की पैदाइश 6 जनवरी 1988 को कराची पाकिस्तान में हुई। महविश हयात की वालिदा रुखसार हयात 1980 में मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस थी। महविश के सबसे बड़े भाई जीशान एक सिंगर और वोकलिस्ट हैं और उनकी छोटी बहन अफशीन भी। उनकी जज्बात से भारी और हैरत अंगेज एक्टिंग के हुनर ने उन्हें इस दौर में मकबूलियत तक पहुंचाया। महविश हयात ने पहली बार ये सितारों की दुनिया का सफर 2009 में किया। मुख्तलिफ ड्रामास और टीवी कमर्शियल्स में काम करने से उन्हें न सिर्फ पहचान मिली मगर उन्हें बेतहाशा तारीफों के जेवर से भी नवाजा गया। उनका फिल्म करियर 2009 में हिट पाकिस्तानी फिल्म इंशा अल्लाह के साथ शुरू हुआ। इसके बाद वो स्मॉल स्क्रीन पर काम करने लगी और उनकी फिल्म्स जैसे कि कॉमेडीज एक्टर इन लॉ 2016, पंजाब नहीं जाऊंगी 2017, लोड वेडिंग 2018 और छलावा 2019 सभी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म्स में शामिल हैं। साथ ही साथ इन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया है और 2019 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें तमगा इम्तियाज का एहसास दिया। महविश हयात एक हिम्मत और मजबूत इरादा रखने वाली अदाकारा हैं और अपनी राय बयान करने से या फिर किसी भी किस्म की तनकीद से नहीं डरती। वो हर अहम मसले पर खुलकर बोलती हैं, चाहे वो उन्हें किसी भी किस्म की तनकीद का सामना करना पड़े। महविश बज़ाहिर बहुत ही निडर और बहादुर शख्सियत हैं और अपनी एक्टिंग स्किल्स में तो कमाल है ही। ये कहना हर किस हालत ना होगा कि पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार की फहरिस्त में एक खूबसूरत इजाफा है।